हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज अपने इस यूट्यूब चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने इस वक्त तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। हर गुज़रते दिन के साथ कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद लाखों में हो चुकी है और हज़ारों अफराद इस वायरस की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन एहतियाती तदाबीर की जिन पर अमल करके कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन हो सकता है। तो सबसे पहले जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने अपने आप को महदूद करना है। आपने किसी भी किस्म की सोशल गैदरिंग्स में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि जो महदूद है वही महफूज है। घर से सिर्फ उस सूरत में बाहर निकलिए जब कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो, अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही रहिए, क्योंकि घर पे आप सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं। गाइस, चूँकि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेज़ी से मुंतकिल होता है, लिहाजा किसी भी दूसरे शख्स से मिलते वक्त एक सोशल डिस्टेंस रखिए और कम अज़ कम 3 फीट का फासला रखिए। हरगिज़ मुसाफिया मत कीजिए, ना ही गले लगाइए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने हाथों को साबुन से बार बार धोइए। हर आधे घंटे या घंटे के बाद आपने अपने हाथों को साबुन से लाजमी धोना है, और कुछ इस तरह से धोना है कि कम से कम 20 सेकंड्स तक अपने हाथों पर साबुन को आपने लगे रहने देना है, और अच्छी तरह से अपने हाथों को रगड़ कर और मसल कर आपने साबुन से धोना है। आप हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अगर आप में से किसी की कोई रिसेंटली ट्रैवल हिस्ट्री है और आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो काइंडली फौरी तौर पर अपना चेकअप करवाइए, क्योंकि इस तरह से आप अपनी और दूसरों की जानों को महफूज बना सकते हैं। तो गाइस, ये थी वो सारी एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल कर हम कोरोना से बच सकते हैं। और याद रखिएगा, कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। याद रखिए गाइस, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।